In a shocking incident which took place at a hotel in Upper Moradabad on the day of Gandhi Jayanti, a bunch of unknown miscreants fired gunshots at a hotel in Moradabad after a quarrel broke out between them and hotel workers on the food that was served. थोड़ी सी कहा सुनी हुई थी, उसके बाद में वो चले गए। जाने के बाद में फिर एक आदमी आ रहा है, अद्दा मार के जा रहा है होटल पे, अद्दा मार के जा रहा था, आ रहा था रोड पे मोटरसाइकिल लेके। उसके बाद में जो है फिर आके थोड़ी देर के बाद में उन्होंने 3 फायरिंग कर दी मेरे ऊपर। As seen in the CCTV footage of the incident, the miscreants fired 3 rounds of bullets and threw an iron stand towards the hotel before running away. इन कटोरियों की वजह से बचा हूं मैं। और नीचे बैठ गया 2 बार। जब तीसरी बार जो गोली मारी है तो मैं बाहर को निकल के भागा हूं। बाहर को ही भागा हूं तो बेंच पे लात मार के मुझे गिराने की कोशिश करी उन्होंने। मैं गिरा नहीं, थोड़ा सा गिरा फिर उठ के भाग गया। बंटी मलिक है और उसके साथ में 4 लोग और थे। कहां रहते हैं वो? ये तो पता नहीं कहाँ रहते, इधर ही रहते हैं डबल फाटक के। और कहीं खाने के पैसे नहीं देते हैं, पैसे मांगे इस वजह से हमला करा। जब वो खाना आए थे तो मुझे मेरे सामने का वाकिया था। उन वो लोग जो है खाने के ऊपर नाटक कर रहे थे, हमने उनको समझा के भेज दिया, पैसे भी नहीं दिए उन्होंने खाने के। हम बोले खाने पैसे नहीं देना, मत दीजिए, आप खाना चाहिए आप यहाँ से, झगड़ा मत करिए। लेकिन वो थोड़ी देर बाद आने के बाद मालूम पड़ा गया, अद्धा मार के गए लड़कों के। फिर उसके लगभग आधे घंटे बाद उन्होंने आके 5 लोग आए, 5 लोग आने के बाद फायरिंग चालू कर दी। 5 लोगों में एक लड़के ने फायरिंग चालू कर दी। ये गनीमत है कि किसी की लगी नहीं। In a shocking incident which took place at a hotel in Upper Moradabad on the day of Gandhi Jayanti, a bunch of unknown miscreants fired gunshots at a hotel in Moradabad after a quarrel broke out between them and hotel workers on the food that was served. पुलिस चौकी में कोई नहीं था सर, पूरी रोड पे, थोड़ी दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। थोड़ी देर में पुलिस आ गई थी, थोड़ी देर में आ गई थी सर पुलिस। कल रात में पहलवान चिकन पे 3-4 लड़के खाना खाने के लिए आए थे, उनको कुछ तरीक को लेके इनके आपस में विवाद हो गया। इसके बाद ये लोग चले गए, फिर ये 4 लड़के मोटरसाइकिल पे आए और इन्होंने ढाबा संचालक पे फायरिंग की। इस संबंध में इनके खिलाफ FIR पंजीकृत हो गई है और इनको गिरफ्तार किया जाए। आज की सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जो लोग हैं उनकी पहचान की जा रही है। इनमें से 3 लोगों की पहचान हो चुकी है, अभी 4th व्यक्ति की पहचान की जा रही है।